दोस्तों अभी बज रहा है 7:30 और देखो नज़ारा देखो, फॉगी फॉग फॉगी फॉग। अब मैं जा रही हूँ घूमने। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना कि फॉगी फॉग और हम गए आज एक नए प्लेस पे। दोस्तों आज हम आर्मी एरिया के अंदर एंटर हो गए हैं और देख के तो ऐसा लग रहा है कि रास्ते सारे बंद है, हो सकता है मैं वापस उसी रास्ते से जाना पड़े। आज हमने बोल दिया क्योंकि हमारी आर्मी वाली फ्रेंड साथ में थी, तो हमने बोल दिया कि हम आर्मी से हैं, तो उन्होंने हमें एंटर होने दिया। तो आपको देख के कैसा लग रहा है, ये देखो ये दोनों जॉग कर रही हैं यहाँ पे, उनको मज़ा आ रहा है बहुत क्योंकि हम थोड़े डिफरेंट एरिया में आए हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ, हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाते रहेंगे। तो ये देखो अभी मैंने आपको शूट किया है और दिखाया है, बहुत अच्छा एरिया है ये। यहाँ पे ये एक बंगलो भी है, कितना सुंदर, अंदर से बहुत ही अच्छा होगा। और ये कोई विक्रम पाथ का बंगलो है और ज़्यादा नहीं दिखा सकते। हेलो दोस्तों, आज हमारी वॉक हो गई है पूरी और हमने किया है 7.24 8। हाँ वॉट एवर इट इज, आधा किलोमीटर इधर उधर चलता है पर 7 किलोमीटर समझ लो आज हमने वॉक किया है। तो आज हम अपने आप को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबको अप्रिशिएट, हम तीनों को एक दूसरे को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने पहली बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो बधाई हो हम सबको। और आप दिन का जो हमने गैप लिया था ना, उसका हम लोगों ने पूर्ति करी है। मैं तो 7 दिन से गैप ली थी। हाँ, तो आज हमने बहुत बड़ी भरपाई करी है। तो ऐसी भरपाई अगर आप लोग कर रहे हो तो बताओ हमें कमेंट करके। और आज हम बहुत सारी बातें भी करी हमने और थोड़े इमोशनल भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और बहुत दिनों बाद हम तीनों आपस में मिले तो हमको आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद। और अब ये चीज़ आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक देखने को, इस वीक आपको मिलेगा कि लास्ट वीक हमने क्या किया। ओके चलो बाय बाय। पेड़ों पे पंछी गा रहे। आज हम दो ही लोग थे साथ में और फॉग तो इतना ज़्यादा था कि बहुत मज़ा आ रहा था। और बस उसके बाद जो हमने देखा ना, तो हमारी तो आंखें खुश हो गई यार, पीकॉक, माय गॉड। नहीं कूदेगा कूदेगा। तो दोस्तों इस एरिया में आपने हमको कई बार देखा होगा, ये है आर्मी वॉर कॉलेज और यहीं हमें पीकॉक दिखते हैं। एक बार ऐसा हो चुका है जो ये वीडियो में आपको दिख रहा है, और फिर अभी मैंने दूसरी बार और देखा है पर वो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपको दिखा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, इसलिए। ओके और स्किन भी कितनी अच्छी दिखती है ऐसे वेदर में। अच्छा
आज हम आए हैं 7:30 बजे, 7:30 बजे आने का था, थोड़ा लेट हो गए, मगर क्या फॉग है। और ये मेरी दोनों यारियाँ सहेलियाँ दोस्त रनिंग कर रही हैं, मस्त मज़े कर रही हैं, और मैं हूँ बहुत क्रिटिकल एरिया में, यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, आर्मी वॉर कॉलेज। यस, ये देखो कितना फॉग, हो माँ हमें देख रहे हो, स्वेटर बंद गई है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें लग रही है बहुत तेज गर्मी। ओ बाप रे, चलो बाय बाय, 6 किलोमीटर आज भी। दोस्तों अब हमने अपनी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ करी है और अब हम 6 किलोमीटर से कम तो वॉक करते ही नहीं हैं यार। डेली हमारा मतलब 5.80 6, 6.5, 6.5, 7 ऐसे वॉक होता ही होता है। आप अपडेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पूरी क्लीनिंग हुई है, नहीं दीवारें देखो एकदम जगमगा गई हैं। बिफोर एंड आफ्टर शेयर करूंगी। देखो फ्रेंड्स आज मैंने कितनी क्लीनिंग करी है, माय गॉड, है ना, एकदम चकाचक। और ये देखो ये भी क्लीनिंग हुई है, और ये देखो ओ उधर मत देखो। और मैंने बना लिया उत्तपम, और ये है प्याज टमाटर वाली जो उड़द की दाल वाली चटनी होती ना वो, और बस अब मैं खाने जा रही हूँ, और उसके बाद है मेरे को बहुत सारा काम किचन साफ। फ्रेंड्स इतनी वॉक करके ना जो नाश्ता करने का मज़ा होता है वो अलग ही लेवल का होता है। बाजरे की खिचड़ी खा लो, मेरे को पता नहीं बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा रही हूँ, बताओ कैसी लग रही है देख के। और ये धनिया जो देख रहा ना, गेस व्हाट, ये मेरे घर का है, घर का लगा हुआ ऑर्गेनिक धनिया। ये शूज़ मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, और कश्मीर जैसी जगह में ये शूज़ बहुत काम आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और बस आज हमारा चौपाटी डे है, और क्योंकि ठंड में ज्यादा यूज नहीं होती है ऐसी चीजें, तो मैंने सोचा क्यों ना यही पहन के निकले। और सबके सब हुए थे बीमार से, मतलब है सर्दी खांसी हो गई थी और तबीयत खराब होने को। लास्ट वीक हम हो गए थे बीमार और सबके सब हुए थे बीमार से, मतलब है सर्दी खांसी हो गई थी और तबीयत खराब होने को ही थी कि हम बच गए। मैं तो पर्टिकुलरली बच गई क्योंकि मैं हमेशा केयर करना जानती हूँ अपनी, तो मुझे बीमारी बहुत जल्दी नहीं छू पाती है, और सर्दी ठीक हो गई, तो इसलिए लास्ट वीक हमने कुछ मतलब बाहर का नहीं खाया। बट अब आज हम जा रहे हैं चौपाटी और बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये दोनों खड़ी हुई हैं और मेरी गाड़ी ये है, फ्रंट कैमरा नहीं है, बैक कैमरा है, बस अभी मेन्यू का वेट कर रहे हैं, और यहाँ हम सोच रहे हैं कि वो आ रहा है पर आ ही नहीं रहा है। वो बोल रही थी क्या, बोल कर रही थी मैं, उसने उधर कैमरा कर लिया। अभी मेन्यू आने वाला है तो उसको आ गया, वो देखिए वो आ गया
अभिमन्यु ये आ गया, अब हम जाएंगे। हम खा रहे हैं वड़ा पाव और मऊ के लोग अगर देख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये जो है ना धुआं निकल रहा है, देखो कितना गर्म है, बहुत टेस्टी है। आंटी की शॉप दिखा दो, आंटी की शॉप दिखाओ। हाँ, मुंबई का वड़ा पाव। ओके, और ये जो शॉप है ये है ड्रीमलैंड स्क्वायर पे, पेट्रोल पंप के पहले जब आप अंदर आते हैं तो वहाँ चौपाटी वहाँ शिफ्ट हो रही है जल्दी, तो यहाँ पे वड़ा पाव की शॉप है, आप ज़रूर आइए, बहुत टेस्टी वड़ा पाव है और मैं तो बहुत टाइम से खा रही हूँ, ये लोग पहली बार खा रहे हैं उनको भी अच्छा लगा। मऊ के लोग अगर देख रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर यहाँ आइए, ज़रूर आइए। और पीछे भैया बोल रहे हैं कि हमारी पिज़्ज़ा की शॉप भी थोड़ा सा पब्लिसिटी कर दो, ये देखो भैया इधर का भी ले लेना। हाँ भैया बोलिए बोलिए। हाँ नहीं बोलो ना कुछ नहीं, हमें आपको आपके साथ से डरा दे। महालक्ष्मी मोमोज, ये ड्रीमलैंड स्क्वायर पे है ये शॉप। ओके, तो भैया के मोमोज हैं, आके एक बार टेस्ट जरूर करिए। चार रख, हाँ टोटल चार रख दो भैया। ये हमारा कुल्हड़ पिज्जा बन के रेडी है और ये पकड़ना। हाँ भैया पकड़ो, बहुत गर्म है, नीचे से पकड़ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये लो, अब हम जा रहे हैं खाने और मैं तो खा चुकी हूँ, ये लोग टेस्ट करके बताएंगे। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। खा चुकी हूँ मतलब पहले खा चुकी हूँ मतलब मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, ये लोग टेस्ट करके बताएं। हाँ इतनी ठंड में हॉट हॉट खाने में मजा आ रहा है। टेस्टी टेस्टी अप्रूव्ड। रुक जा मैं खिलाती हूँ। अभिमन्यु की आ रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी और बनी रही है, बस भैया बना रहे हैं और ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि बहुत टेस्टी है। आप पता नहीं टेस्ट करके पता चलेगा, देखो मैं टेस्ट कर चाहती हूँ। अच्छी बहुत अच्छी है, अच्छी है और छोटी सी है, ठंड में कुल्फी। अगर किसी को भी यहाँ पे आना हो तो यहाँ आ सकता है, श्री राम। छोटी सी तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, वॉल्यूम ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप आ सकते हो आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ पे पाव भाजी भी मिल जाएगी आपको, दाबेली और कुल्फी वगैरह, जो कि काफ़ी टेस्टी है, आप देख सकते हो। वेरी नाइस, वेरी क्रीमी टेक्सचर वाइज है ना, बहुत अच्छी है। और मैंने कैसी लग रही है? वेरी टेस्टी ना, मोमोज के बाद और ज़्यादा अच्छा। हाँ हाँ, मोमोज खाने के बाद जो लाल चटनी खाई थी उसके बाद में मीठा मीठा बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मोमोज में ना रिस्क नहीं लेती क्योंकि लेके देखा बहुत प्रॉब्लम होता है यार, बहुत टेस्टी मोमोज रहते हैं आंटी के यहाँ के। अब इन लोगों को पता नहीं कैसे लगते हैं, ये अच्छा लग रहे हैं, स्पाइसी है, स्पाइसी है, इसके 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 लिए तो बहुत स्पाइसी है, है ना, तुमको स्पाइसी लग रहा है। अंतिमा को कैसे लगे? नहीं वो अभी फ्राई वाले ले रहे हैं ना अपन, आंटी फ्राई कर रही है पनीर मोमोज। अभी इसको हम मिर्ची वाला खिलाने वाले, खिलाया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी खासी मिर्ची लगा ना बेटा, लगा ना मेरे को।
क्या कर रही, दोनों मिक्स कर दी। इसको तो मजा आ गई। ये अब नाम कैसे लगे? इनकी शॉप का नाम है भाग्यश्री मोमोज। अगर आपको कभी भी और आपको दिख जाएंगे ठीक है। अभी फ्राइड वाले भी आ रहे हैं, आ ही गए हैं। मैं इसमें ले लूंगी। हाँ ये यहाँ है महू में, ये फ्राइड वाला है। चलो जिस ये है पनीर वाला पनीर मोमोज। वाह फ्राई ये है दही पूरी। और अभिमन्यु की क्या, अभिमन्यु को बहुत पसंद है दही पूरी, इसलिए ऑर्डर करी है। और उसमें से सब थोड़ा 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 हम लोग टेस्ट करेंगे। ओ बाप रे, मेरे मुंह में जा रही है। पानी पूरी। और आज हम लोगों का है क्या है, चीटे चीटे। और हम खा रहे हैं पानी पूरी। मैंने एक ही खाई है क्योंकि मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा है। कितने चली है? और अभी हमारी पार्टी बाकी है। हम क्योंकि लास्ट में ये डेजर्ट खाने वाले हैं। लास्ट में हम ये डेजर्ट खाने वाले हैं। और ये बनाया है अंतिमा ने। और वाह, और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है यार। अब हम खा के टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसा बना है। सब लोग खाके बोलोगे कैसा लग रहा है। ये खसखस का हलवा। खसखस का हलवा, खसखस का हलवा। और ये बहुत टेस्टी है। आज हमारा चीट डे कंप्लीट होता है इसके साथ। और ये हीर इतनी क्यूट बेटी है, हलवा खिला रही है। सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, सोने दो।